नो फिश और एनिमल वर हार्म इन दिस वीडियो। इस वीडियो में किसी भी मछली या फिर जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाया गया है। तो सबसे पहले ही दोस्तों आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे चैनल पे 10,000 सब्सक्राइबर हो चुका है। तो उसी के ऊपर दोस्तों आज बात करेंगे, कुछ स्पेशल गिव अवे भी मैं अनाउंसमेंट करने वाला हूँ। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखते रहो, सब कुछ आप लोगों को बताऊंगा। साथ ही साथ दोस्तों गप्पी फिश का अंडर वाटर शॉट मैंने किस तरीके से लिया उसके ऊपर आज बात करूंगा। और पिछले दिन दोस्तों मैंने जो ब्लैक ऑर्किड बेटा का ब्रीडिंग किया था वो मेल किस तरीके से अंडों की रखवाली कर रहा है वो दिखाऊंगा। और लास्ट संडे दोस्तों मैंने जो प्लांट गली स्ट्रीट से खरीद के लाया था उसका आज दोस्तों पोस्टमार्टम करेंगे, पूरा उसको काटेंगे और उसको अलग अलग करके लगाएंगे। तो ये प्लांट का नाम क्या है, कितना रुपये पर मेरे को मिला है वो सब कुछ ऑलरेडी बता चुका हूँ। और दोस्तों मैंने जो निमोकैंडी बेटा का ब्रीडिंग के लिए कल बैठाया था ऑलरेडी दोस्तों कुछ प्यार ने अंडा दे दिया है। तो कितना प्यार ने अंडा दिया है और फीमेल को मैं किस तरीके से रिमूव करने वाला हूँ ब्रीडिंग टैंक से वो भी बताऊंगा। और ये प्लांट पे देखो कोकोपीट दिया गया था, मतलब नारियल का जो छोबड़ा होता है, बांग्ला में हम लोग नारियल छोबड़ा बोलते हैं, हिंदी में इसको दोस्तों नारियल का जो रुई होता है वो है, तो उसी से दोस्तों इसको लपेटा गया था। तो मैं किस तरीके से ये प्लांट को लगा रहा हूँ वो पूरा दोस्तों आज की इस वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारा कमेंट आता है कि आप एक्वाटिक प्लांट को इतना अच्छे से ग्रो किस तरीके से करते हो। तो आज की वीडियो में पूरा बता दूंगा, वीडियो को पूरा देखिए और पसंद आता है तो ज़रूर से एक लाइक करना, 100 लाइक का टारगेट है, और सब्सक्राइब भी कर देना दोस्तों। इसी तरीके से आप लोगों का सपोर्ट चाहिए 10,000 सब्सक्राइबर करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए वीडियो को सीधा शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि अंडर वाटर शॉट मैंने किस तरीके से लिया। तो एक 6x6 का जो क्यूब टैंक होता है उसके अंदर मैंने फ़ोन को डाल दिया था और उसी टैंक को मैंने पानी में डिप कर दिया था, जिसके वजह से मेरे को बिना फ़ोन गीला किए ही अंडर वाटर शॉट मिल गया था। और देखो दोस्तों गप्पी का फ्राई अभी कैसा दिख रहा है, गप्पी का मेल फीमेल जो है वो अभी आप लोग पहचान सकते हो, ठीक है। जो गप्पी का टेल सिर्फ ब्लैक है वो सब दोस्तों फीमेल है, ठीक है। और जिस गप्पी का दोस्तों बॉडी के साथ साथ टेल भी ब्लैक हो चुका है वो सब मेल है। और दोस्तों कुछ ही दिनों के अंदर ये सब गप्पी सेलिंग के लिए मतलब स्टार्ट हो जाएगा। और गिव अवे के बारे में दोस्तों बात की जाए तो आप लोग कौन सा मछली गिव अवे में लेना चाहते हो बताओ, मतलब गप्पीज का गिव अवे किया जाए या फिर बेटास का गिव अवे किया जाए, आप लोग बताओ। मेरे को क्या लगता है, देखो पिछले बार दोस्तों मैंने क्या किया था, जब मेरा वुहान के हुआ था मैंने अनाउंसमेंट किया था 2000 लोगों को, मतलब 2000 बेटा में गिव अवे करूँगा, मतलब जो सब्सक्राइब कर रहा है हर एक बंदे को दोस्तों एक एक प्यार दूंगा। मगर उसमें दोस्तों मेरे को कुछ भारी भर गया था, 2000 बेटा के बदले दोस्तों उससे शायद मैं 1500 या फिर 1400 पीस बेटा मैंने लोगों को दिया था, ठीक है, बच्चा मछली दिया था, ठीक है, आप लोगों को मैं बोल देता हूँ। और उसका दोस्तों विथ प्रूफ भी मैंने वीडियो में बताया है, कुछ वीडियो आप लोग जाके देख लेना पुराना वीडियो से, 2000 बीटा गिव अवे शिवशंकर मालिक लिखना यूट्यूब पे आप लोगों को दिख जाएगा। मैंने विथ प्रूफ भी दिखाया है, मैंने जब कुरियर किया था सब कुछ वो भी दिखाया है, और घर में दोस्तों जो लोग लेने के लिए आए थे वो सबको भी दिया है। मगर बहुत सारे लोगों को दोस्तों मछली नहीं मिला था उस टाइम पर, मेरे को पता है दोस्तों बहुत सारे लोग अभी कॉमेंट करोगे कि मेरे को मछली नहीं मिला था उस टाइम पर, तो उसके लिए मैं इस वीडियो पर ही माफ़ी मांग लेता हूँ। अब दोस्तों मैं जो गिव अवे करने वाला हूँ उसके ऊपर दोस्तों डिटेल में बात कर लेता हूँ, ठीक है। अभी गप्पीज देखो कितना खूबसूरत लग रहा है, और ये सब दोस्तों जो रेड पोलैंड है ये मैं फ्री में देता हूँ, और लोग इसको 100 रुपये 150 रुपये में पीआर पे सेल कर रहे हैं, ठीक है। मेरे पास तो दोस्तों आप लोगों को ये फ्री में मिल जाएगा, खरीदने की कोई बात नहीं है, आप लोग मेरे घर पर आओ फ्री में लेके जाओ, ठीक है। और दोस्तों गप्पी भेजूंगा जब दोस्तों उसके लिए एक अलग से पैकेट मेरे को ख़रीदना पड़ेगा, जो पैकेट जो है वो मैं केरला से या फिर थाईलैंड से मंगवाऊँगा। तो वो पैकेट जब मैं मंगवा लूँगा उसके बाद मैं गप्पी आप लोगों को भेजना स्टार्ट करूँगा। बाकी दोस्तों जो गिव अवे के ऊपर बात कर रहे थे उसके ऊपर बात करते हैं, ठीक है। तो देखो पहली बात दोस्तों गिव अवे करूँगा तो ऐसा नहीं होगा कि जो लोग गिव अवे का मछली लेना चाहते हैं सभी को मैं दूँगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। उससे पहले दोस्तों आप लोग देख लो, मैं बताऊंगा वीडियो में, अगर आप लोग देखते रहो गिव अवे के ऊपर डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले ये प्लांट देख लो दोस्तों आप लोग, ये प्लांट को मैं लगाने वाला हूँ, और ये गप्पी तो आप लोगों ने देखा ही होगा भाई, 20 दिन का गप्पी कितना बड़ा हो गया है आप लोग देखो। आप लोगों के पास शायद से ये साइज़ जो है वो 2 महीने में आता है, मेरे पास दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 20 दिन में ये साइज़ आ चुका है, क्योंकि मैंने इनको 10 दिन तक या फिर 12 दिन तक सिर्फ और सिर्फ डाफनिया खिलाया था, और 12-15 दिन के बाद दोस्तों सुबह का टाइम पे मैं उसको ट्यूबफ्लेक्स दे रहा हूँ और शाम के टाइम पे मैं डाफनिया दे रहा हूँ। तो इस तरीके से मैंने इनको खिला खिला के इतना बड़ा कर लिया है, समझो कि मेरे पास 2 महीने के टाइम पर
गापी का जो फ्राई है वो पूरा बीडिंग मतलब रेडी हो जाएगा बेचने के लिए, और 2 महीने का गापी बीडिंग भी करता है। आप लोगों को बता देता हूँ, गापी जो है वो 1.5-2 महीने की उम्र से ही बीडिंग करना स्टार्ट कर देता है। तो ये जो प्लांट है दोस्तों, इसको मैं काट काट के लगाने वाला हूँ। और ये प्लांट जो है मतलब इसका जो प्लांट है वो एक प्लास्टिक का टब में लगाया हुआ है। तो ये प्लास्टिक का टब मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है, इसको मैं सीधा उखाड़ लूँगा, उखाड़ के दोस्तों लगाऊंगा। तो किस तरीके से लगा रहा हूँ वो आप लोग देखते रहो, मैं सीधा बात करता हूँ गिव अवे के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे लोग वही देखने के लिए वीडियो को ओपन किए हो, ठीक है। तो सीधा बात दोस्तों, नो बकवास, आप लोग ये सब देखो, मैं गिव अवे के ऊपर बात करता हूँ। तो पहली बात दोस्तों, गिव अवे जो करने वाला हूँ दोस्तों, वो जो जो मछली लेगा वो सभी के बॉक्स में मैं मछलियाँ एक्स्ट्रा डालने वाला हूँ। ऐसा नहीं है कि दोस्तों आपने पिछली बार की तरह डिलीवरी का पैसा दे दिया और गिव अवे का मछली मैंने भेज दिया, ऐसा दोस्तों नहीं करूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोग एक कदम मेरे से आगे सोचते हो। उन्होंने क्या किया था दोस्तों, अपने मम्मी पापा के फ़ोन से, दादा दादी जी के फ़ोन से, दोस्त के फ़ोन से सब्सक्राइब कर रहा था, और सभी के फ़ोन से मेरे को मतलब एक एक मछली चाहिए बोल के मेरे को बोला कि एक बड़ा बॉक्स में सभी मछली भेज दो। तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो आखिर दोस्तों होगा कैसे गिव अवे, तो आप लोगों को मैं डिटेल में बता देता हूँ। देखो, जो जो लोग मेरे से मछली ऑर्डर करोगे, लाइक आपका जो भी ऑर्डर है वो मेरे को तो ऑर्डर करोगे, तो वो ऑर्डर में दोस्तों मैं क्या करूँगा दोस्तों, मेरे तरफ से कुछ ना कुछ मछली में एक्स्ट्रा डालूँगा, ठीक है। आपका जो भी ऑर्डर है, चाहे कोई 5 पेयर वाला ऑफ़र ले रहे हो, 5 पेयर के साथ 5 फीमेल एक्स्ट्रा मिल जाता है, एक ऑफ़र है, मतलब आप लोगों को टोटल 5 पेयर खरीदते हो तो 5 मेल और 10 फीमेल मिलता है, कभी कभार 10 से ज़्यादा भी फीमेल में डाल देता हूँ, वो तो दोस्तों ऑफ़र है, उसका कोई मतलब गिव अवे के साथ कनेक्शन नहीं है। मगर जो लोग 1 पेयर या फिर 2 पेयर या फिर 5 पेयर जो भी मछली ले रहे हो, मैं अपने मर्ज़ी से उसके बॉक्स में कुछ ना कुछ मछली डालने वाला हूँ, अगर बॉक्स खाली रहता है तो, ठीक है। ये दोस्तों मैग्नेटरी है, अगर बॉक्स खाली रहेगा तो ही मैं मछली डालूंगा, ऐसा नहीं है कि मैं बॉक्स एक अलग तरीके से आप लोगों को भेजूंगा तो मेरे को ज़्यादा पैसा लग जाएगा, तो उसमें दोस्तों गिव अवे के बदले में मेरे को नुकसान हो जाएगा, ठीक है। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे को भी नुकसान हो, और मैं ये भी नहीं चाहता हूँ कि आप लोगों को अच्छा ना लगे। तो इसीलिए दोस्तों मैं क्या करूँगा, जो भी मेरे से मछली ऑर्डर करोगे उनके बॉक्स में मैं अपनी तरफ से कोई भी पेयर, किसी के बॉक्स में दोस्तों 1 पेयर हो सकता है, किसी के बॉक्स में 2 पेयर, किसी के बॉक्स में 3 पेयर भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है दोस्तों वो कितना मछली मेरे से ले रहा है। जो दोस्तों जितना पैसा का ज़्यादा मछली लेगा उसके पास में दोस्तों उतना ज़्यादा प्यार का मछली मेरे तरफ से गिफ्ट के तौर पर जाएगा। ये कोई दोस्तों गिव अवे एक्चुअल में है नहीं, मैं अपनी तरफ से एज ए गिफ्ट दे रहा हूँ आप लोगों को सपोर्ट के लिए। तो जो भी दोस्तों मेरे से मछली ले रहे हो, बताने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मेरे को गिव अवे वाला मछली दे देना या फिर मेरे को एक्स्ट्रा मछली दे देना, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। हर एक बंदे के बॉक्स में मैं मछली एक्स्ट्रा डालूंगा। मगर दोस्तों एक चीज़ आप लोगों को पहले भी बता जाए अभी भी बता देता हूँ, अगर बॉक्स में जगह खाली रहता है तो ही मैं डालूंगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बॉक्स में जगह नहीं है और मैं अलग एक बॉक्स अपने तरफ से भेजने वाला हूँ, ऐसा कोई बात नहीं होगा, ठीक है। और आप लोग दोस्तों ऑर्डर भी इस तरीके से करना कि बॉक्स में जगह थोड़ा सा खाली रहे, ये दोस्तों कोई सेलर बोलेगा नहीं, मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा सा मछली कम ऑर्डर करो ताकि आपके बॉक्स में जगह रहे, ठीक है। मैं दूसरा सेलर जैसा नहीं हूँ खुद के प्रॉफिट के बारे में सोचूंगा, ऐसा नहीं है। अगर खुद के प्रॉफिट के बारे में सोचता ना तो आज आप लोगों की इतना इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी नहीं देता, सिर्फ हर दिन दोस्तों सेलिंग का ही वीडियो देता। आज ये मछली सेलिंग के लिए है, इसका प्राइस ये है बोल के वीडियो बनाता। आज दोस्तों मेरा 2-3 हज़ार सब्सक्राइबर पे ही रुका रहता, 10 हज़ार सब्सक्राइबर कभी होता ही नहीं। इसीलिए दोस्तों मैं आप लोगों से इतना सपोर्ट मिला है कि मैंने आप लोगों को सपोर्ट किया है, इसीलिए आप लोगों ने मेरे को सपोर्ट किया है, ठीक है। क्योंकि मेरे जैसा वीडियो किसी ने बनाया ही नहीं है, एक्चुअल में नॉलेज किसी के पास इतना है नहीं कि वो वीडियो बनाएगा, और नॉलेज है भी तो वो पब्लिकली इतना नॉलेज किसी को देना नहीं चाहता है, क्योंकि उसका नॉलेज अगर किसी के पास चला जाएगा तो वो उसका ओपोनेंट भी हो सकता है। मगर दोस्तों मैंने ऐसा कोई बात मतलब सोचा भी नहीं है, मैंने अपने पास जो भी नॉलेज था, मैंने जो भी ये 12-13 साल के फीस अभी में एक्सपीरियंस किया है, जो भी सीखा है एक्सपेरिमेंट करके, वो सब आप लोगों को बता दिया है, कुछ भी चीज़ मैंने छुपाया नहीं है। तो आप लोग भी दोस्तों सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, मैं देखता हूँ दोस्तों 10 हज़ार सब्सक्राइबर तो हो चुका है, और कितना जल्दी हम लोगों का कितना क्या सब्सक्राइबर होता है वो तो आगे पता चलेगा। बाकी गिव अवे के बारे में तो दोस्तों पूरा डिटेल में बता दिया, बहुत ही जल्दी हम लोगों का एक नया स्टॉक आने वाला है, और स्टॉक का जो वीडियो है दोस्तों वो मेरे ब्लॉग चैनल पे आता है, आप लोगों को पता ही होगा। और ब्लॉग चैनल जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है जाके सब्सक्राइब करो, ब्लॉग चैनल का जो लिंक है दोस्तों फास्ट कमेंट पे मैं पिन कर दूंगा, वहाँ पे जाके ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो फिलहाल दोस्तों नीमो कैंडी के ऊपर बात करते हैं। नीमो कैंडी का दोस्तों मैंने टोटल 4 पेयर का बीडिंग बैठाया था, तो 4 में से 4 पेयर ही बीडिंग कर लिया दोस्तों। जी हाँ, कल मैंने छोड़ा था, आज दोस्तों 4 में से
चार पीआर ही बीडिंग सक्सेसफुली हो चुका है। आज दोस्तों मैं फीमेल को रिमूव करने वाला हूँ, और फीमेल को दोस्तों मैं किस तरीके से रिमूव कर रहा हूँ, फीमेल को रिमूव करने के बाद खाना दूंगा या नहीं, मेल को क्या खाना दूंगा या फिर दूंगा या नहीं, वो सब कुछ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पे बताऊंगा। क्योंकि ये वाले वीडियो पे मेनली 10 के सब्सक्राइबर हो चुका है, तो आप लोगों को शुक्रिया बोलने के लिए आया था, और आप लोगों को गिव अवे या फिर कुछ गिफ्ट वगैरह देना है तो उसके ऊपर अनाउंसमेंट करने के लिए मैंने ये वाला वीडियो बनाया था। तो वीडियो दोस्तों कैसा लगा आप लोग ज़रूर से बताना, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है कॉमेंट सेक्शन पर आप लोग कॉन्ग्रेचुलेसन टू आस लिख देना, ठीक है, क्योंकि आप लोगों की वजह से ये हुआ है। चैनल दोस्तों आप लोगों का ही है, मैं तो बस वीडियो बना के आप लोगों को दिखाता हूँ, एक्चुअल में चैनल आप लोगों का ही है। तो कॉन्ग्रेचुलेसन टू आस लिख देना, ठीक है, ताकि मेरे को पता चल जाए आप लोग वीडियो को एंड तक देख रहे थे। तो फिलहाल दोस्तों वीडियो में इतना ही था, देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।